वेलकम फ्रेंड्स, आज के मेरे यूट्यूब चैनल के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। अभी मार्केट लाइव चल रहा है, निफ्टी सितंबर फ्यूचर आज से एक्टिव ट्रेडिंग चालू हुआ है, 17,700 के आसपास चल रहा है। तो ये वीडियो चार्ट बेस्ड ट्रेडर के लिए नहीं है, चार्ट तो अभी चल रहा है। यहाँ पर आज जो वीडियो है वो है ICICI डायरेक्ट का जो ब्रीज API है उसके ऊपर मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, उसी के पर्पस में ये वीडियो है, देखते रहिए। जैसे देखिए ये जो विंडो है ये है ब्रीज सेशन मैनेजर, यहाँ से हम लोग एंट्री करेंगे। अभी क्रिएट न्यू ब्रीज सेशन, नया ब्रीज सेशन चालू करेंगे। एक ये विंडो खुल गया, स्क्रिप्ट नेम डाल देंगे निफ्टी, एक्सपायरी डेट है सितंबर 29, कॉन्ट्रैक्ट है 2022। ये सीड बिड्स जो है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, इसके लिए एक दूसरा वीडियो बनाएंगे कभी। इसको एंट्री कर देता हूं मैं, जो आज के लिए रिक्वायरमेंट है। अभी डेटा एंट्री हो गया, अभी लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करेंगे। लाइव स्ट्रीमिंग चालू हो गया निफ्टी का, चार्ट के साथ भी देख सकते हैं आप। देखिए और ये चल रहा है, अभी बेस्ट बीड है 13 पे 14 पे, निफ्टी चल रहा है 12 पे। ठीक है, ये लाइव फीड आ रहा है। अभी स्ट्रेट कट जो देखने से लग रहा है कि डेल्टा बीड्स जो है ये बहुत ज़्यादा है आज निफ्टी में, डेल्टा आस्क के साइड के हिसाब से। ये जो दो ग्रीन कलर का जो चेंज हो रहा है फिगर, तो इस हिसाब से स्ट्रेट कट लग रहा है। निफ्टी आज शॉर्ट करने से प्रॉफिट करने का चांसेस बहुत कम है, निफ्टी स्ट्रांग है बहुत आज। चलिए बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं हाथों हाथ, क्या चल रहा है बैंक निफ्टी का हालत। नया ब्रीज सेशन फिर चालू करेंगे, चार्ट को अभी हाइड कर देते हैं, निफ्टी को भी पीछे कर लिया। इसका कोड है CNX10, ये है बैंक निफ्टी का। कोई 29 सितंबर एक्सपायरी है, आज का बैंक निफ्टी का सीडिंग दे देते हैं। ये मेरा प्रोप्राइटरी एल्गोरिथम है, इसको मैं ये वीडियो में डिस्कस नहीं करूँगा। तो एंट्री कर देता हूं, आज का जो रिक्वायरमेंट है। स्टार्ट कर दिया, बैंक निफ्टी भी चालू हो गया। उस हिसाब से देखा जाए बैंक निफ्टी भी बुलिश दिखा रहा है। ये दोनों अगर पैरेलली खोलेंगे, इसको ऊपर रखते हैं, बैंक निफ्टी को नीचे कर देते हैं। अभी देखिए दोनों साथों साथ चल रहा है, निफ्टी और बैंक निफ्टी। आप कोई एक सिंगल पॉइंट पे मॉनिटर कर सकते हैं दोनों का ट्रेंड क्या चल रहा है। अभी खाली दो देखने से नहीं चलेगा, इसके साथ मैं रिकमेंड करता हूँ आप रिलायंस भी देखिए, HDFC बैंक भी देखिए, आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा। जैसे और एक सेशन चालू करते हैं, रिलायंस का है RELINDB, रिलायंस इंडस्ट्रीज का है सितंबर एक्सपायरी, इसका भी सीडिंग देना पड़ेगा आज का। मैं एंट्री कर देता हूँ,
रिलायंस को स्टार्ट कर देता है। देखिए रिलायंस चालू हो गया, इसका डेल्टा तो नेगेटिव में है, मतलब तो ये काफी स्ट्रांग है, इसको भी निफ्टी के साथ देते हैं। और बैंक निफ्टी का मेजर जो है आपका वो है HDFC बैंक, उसको भी चालू कर देते हैं। HDFC बैंक को चलेगा, HDFC इसका है, HDFC बैंक 29 सितंबर, अभी सीडिंग देना पड़ेगा, ये सीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी ना आपको ट्रेंड पता नहीं चलेगा। अब इसका लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट, देखिए इसका भी HDFC बैंक का भी डेल्टा बीट ज्यादा है, डेल्टा आस्क से रिलायंस का भी ज्यादा है, रिलायंस का इनफैक्ट नेगेटिव में है डेल्टा आस्क, ये काफी बुलिश है। इसमें इन तीनों में सेलर है, बट एक्टिव है सेलर, बट बहुत कम क्वांटिटी में चल रहा है उन लोगों का सेलिंग। यहाँ पर तो डर के मारे ऑर्डर भी कैंसिल कर दिया सेलर, निफ्टी में है और बैंक निफ्टी हिसाब से बुलिश ही है। अभी HDFC बैंक में जब तक पलटी नहीं मारेगा तब तक बैंक निफ्टी में कुछ कह नहीं सकते, बट ओवरऑल स्ट्रांग है मार्केट आज। तो ये है दोस्तों ICICI बैंक का जो API सर्विस है, डेटा सर्विस है, ICICI डायरेक्ट ब्रीज, आप इंटरनेट में सर्च कर सकते हैं क्या है ब्रीज, वही डाटा को लेकर के मैंने ये सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। ये डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर है, इसको लैपटॉप में या पर्सनल कंप्यूटर में आप इंस्टॉल कर सकते हैं, और आपको ICICI डायरेक्ट का आपका अकाउंट होना चाहिए, ब्रोकिंग ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट, ये होने के बाद आप ये सॉफ्टवेयर में डेटा लाइव फीड यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आपको अगर इसके ऊपर और भी एक्स्ट्रा कुछ जानना है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मेरे वीडियो के नीचे एक लिंक रहेगा, वो लिंक में मेरा वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं डेली निफ्टी का एनालिसिस पोस्ट करता हूँ उधर, ट्रेनिंग वगैरह भी प्रोवाइड करता हूँ, वो आपके ऊपर है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे और भी वीडियो मैं पोस्ट अगर करूँगा तो आप लोग देख पाएंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेके कुछ दिन के बाद आएंगे।